पर्सनल कौन सा परिचय ज्यादा पसंद आया? पहला वाला कि दूसरा वाला? पहली कविता पढ़ रहा हूं, शब्द और अर्थ। पहले हत्या के लिए एक शब्द था हत्या, उसका एक अर्थ था हत्या, एक व्यंजना थी हत्या। जब हत्या ने बड़े पदों पर पहुंच गए तो शब्द कोशों से वही दमन कर गया। अब ख्याल भी नहीं आता कि जो आंखों के सामने हो रही है वह हत्या है, जो सामने खड़ा है वह हत्यारा है, और जो वह दलील दे रहा है वह एक हत्यारे की दलील है, और जिस दलील पर अदालत ने मुहर लगाई है वह भी एक हत्यारे की दलील है। न्याय, भुनगा न्याय मांगने गया, न्यायाधीश ने उसे मसल कर बना दिया। अगली बारी हाथी की थी, न्यायाधीश ने कहा आपने कष्ट किया क्यों, कष्ट क्यों किया महाराज, न्याय तो खुद आपके घर के लिए निकल चुका है। एक प्रार्थना, इतनी ताकत देना मुझे कि मेरी बेचैनियां मुझे धोखा दे जाए, मेरा हास्य बोध हास्यास्पद बन लोकप्रियता पाए, मेरी मूर्खताएं मेरा पोस्टर बन जाए, उन्हें फाड़ना गुनाह हो जाए, मेरी कुटिलताएं क्रूरताएं वंदनीय मानी जाए, उनके मंदिर जगह जगह बनाए जाए, सुबह शाम भक्तगण उनमें कान फोड़ घंटा बजाए, मुझे जिंदगी थोड़ी देना, मुझे वहां पहुंचने की हिम्मत देना जहां मैं खुद को जितना धोखा देता जाऊं उम्र इतनी लंबी पाता जाऊं। ये आपको याद होगा कि लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग आ रहे थे घरों के बाद, वो पटरी पे सो गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो लॉकडाउन के बीच पटरी पर नींद को क्या तकिए की दरकार है, फिर पत्थर किस लिए? जब वे इतने हाहाकार के बीच खर्राटे ले रहे हैं तो क्या हम भूखे पेट भी नहीं सो सकते? दो पटरियों के बीच से ज्यादा समतल और सुरक्षित जगह कहां है, वहां गहरी नींद क्यों नहीं आ सकती? मालगाड़ी का ऊपर से गुजर जाना क्या सचमुच इतनी बड़ी बात है कि नींद टूट जाए? यह है कितना हिंदू। सवाल पूछा है किसी ने कि आप कितने हिंदू? मैंने कहा मंदिर में रखी मूर्ति जितनी हिंदू होती है उतना हिंदू होती है, मंदिर में चढ़ने वाला नारियल जितना हिंदू होता है उतना हिंदू होता है, भोग में चढ़ने वाली खीर बर्फी पेड़ा बल्कि चने और गुड़ जितना भी हिंदू, और हाँ गाय जितना हिंदू तो हूं ही, पीपल और वटवृक्ष जितना हिंदू भी होगा, और भी बताओ लक्ष्मी के वाहन जितना हिंदू हो, और चार खाने के कपड़े से बनी कमीज जितना भी हिंदू हो। मैं सवाल पूछने वाला ऐसा हिंदू हूं जो मुसलमान भी है, मैं उतना हिंदू हूं जितना हर मुसलमान हिंदू होता है। मैं चीटी जितना हिंदू तो हूं ही, मच्छर जितना हिंदू भी हूं, मैं ऐसा हिंदू हूं किसी की जात धर्म चुपके से जानने की कोशिश नहीं करता, मैं इतना ज्यादा हिंदू हूं कि भूल ही जाता हूं कि क्या हूं। भैंस पानी में जाकर जितनी हिंदू हो जाती है उतना हिंदू हूं
बाकी जो हूं सो तो एक कविता है, एक गरीब ही कह सकता है, एक गरीब ही कह सकता है, आओ अंकल जी, आओ आंटी जी, आओ गर्मा गर्म रोटियां सिक रही हैं, खा लो, आओ चाय पियो, मौसम की नई सब्जी आई है थोड़ी सी ले लो, जाओ थक गए हो तो खाट पर तली लेट जाओ, कि लाओ मां कितनी दूर है तुम्हारा घर, चलो ये सामान मैं लेकर चलता हूं। गरीब की बस्ती में ही पनाह मिलती है सड़क के कुत्तों को, एक घटिया आदमी को भी इंसान मानकर ये उसके लिए जान पर खेल जाते हैं। इन्हीं की कुटिया में जाकर राहुल गांधी रात को 11 बजे दस्तक देने की सोच सकते हैं, कोई भी कहीं से आकर रोटी सब्जी मांगने की हिम्मत कर सकता है। भिखमंगों, दरवेशों, साधुओं, पागलों का पेट नहीं भरता है, इनके बच्चे दौड़ दौड़ कर किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वह भी इस तरह कि जैसे कुछ किया ही न हो। आप उन्हें सोना भी दें तो वे लेने से इनकार कर सकते हैं, वे अमीर नहीं है मगर हम जैसे गरीब भी नहीं। ये कविता है दुकानदार, गरीब आदमी का दुकानदार। गरीब दुकानदार का ग्राहक गरीब होता है, कभी उतना गरीब जितना उसका ग्राहक होता है, कभी उससे भी गरीब जितना उसका ग्राहक होता है, कभी ग्राहक कुछ अमीर, कभी दुकानदार कुछ अमीर होता है, कभी पल रहा कुछ इधर, कभी पल रहा कुछ उधर होता है। गरीब आदमी का दुकानदार गरीब से पहले जागता है, क्योंकि वह गरीब आदमी का दुकानदार गरीब के पास होता है, क्योंकि वह गरीब आदमी का दुकानदार है। कभी वह आशा लेकर घर से निकलता है, निराशा लेकर घर लौटता है, कभी इसका उल्टा होता है, कभी न वह कुछ लाता है न ले जाता है। गरीब आदमी के दुकानदार के पास फुर्सत होती है, पर वह बार बार पैसे नहीं गिनता, वह जानता है या तो कल से 10 ज्यादा होंगे या कल से 10 कम। गरीब आदमी का ग्राहक हो या दुकानदार, उधार को लेकर दुविधा में रहता है, कभी ग्राहक पहल करता है, कभी ग्राहक मना करता है, दुकानदार उधार दे देता है। गरीब ग्राहक को प्यारा है, गरीब ग्राहक को प्यारा है अपना दुकानदार, वह सोचता है एक दिन ऐसा आएगा कि वह इसकी मदद, इतनी मदद कर पाएगा कि इसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। कभी दुकानदार सोचता है कि जब भी बड़ी दुकान खोलूंगा इसे हर दिन मुफ्त खिलाऊंगा, सोचना जारी रहता है। कभी दुकानदार सूरज की तरह डूब जाता है, सुबह हो जाती है फिर भी लौट कर नहीं आता, कभी ग्राहक चांद की तरह छुप जाता है, पूर्णिमा आ जाती है तो भी नहीं आता। आटा और नमक, कभी घर में आटा भी होता है नमक भी, कभी नमक होता है तो आटा भी, कभी दोनों होते हैं तो पानी नहीं होता, कभी ये सब होते हैं मगर आग नहीं होती, कभी वह लौट कर ही नहीं आता जिसके इंतजार में रोटियां सेकी जा रही। ये है एडजस्टमेंट, जिंदगी एडजस्टमेंट से, जिंदगी एडजस्टमेंट से ही चलती है, उसी से नौकरी मिलती है, पदोन्नति होती है, मालिक या अफसर का विश्वास हासिल होता है, दुकान चलती है, एडजस्टमेंट करने वालों की जिंदगी में तूफान नहीं आते, बाढ़ नहीं आती, आ भी जाए तो नुकसान दूसरों का होता है। एडजस्टमेंट करना भला शरीफ होने का लक्षण है,
चरित्र का प्रमाण पत्र है, औरत का सुहाग है, तलाक से बचने का शर्तिया उपाय है, एडजस्टमेंट से ही सत्ता मिलती है, देर तक टिकती है, पैसा बनता है, लोकप्रियता मिलती है, हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से बचने के लिए डॉक्टर इसकी सलाह दिया करते हैं। एडजस्टमेंट करके चलो तो दुनिया में अपनी कूती बोलती है, एडजस्टमेंट कर लो तो कुछ भी अश्लील, कुछ भी अकरणीय नहीं लगता, कुछ भी बेचैन परेशान नहीं करता, कुछ भी कैसे भी करना धर्म से ऐसा लगता। हत्यारे सज्जन पुरुषों में तब्दील हुए दिखते हैं, आदरणीय होकर फादरणीय हो जाते हैं। हक की लड़ाई नक्सलवाद लगने लगती है, नफरत फैलाना संस्कृति के प्रचार प्रसार का अभिन्न अंग मालूम देता है। एडजस्टमेंट समय की पुकार है, शास्त्रों का सार है, एडजस्टमेंट करना सेल्फी लेने जितना आसान है। एडजस्टमेंट हर शहर का महात्मा गांधी मार्ग है, एडजस्टमेंट कंडोम के समान है, इसे पहनकर अपने को ब्रह्मचारी सिद्ध करना आसान है। एडजस्टमेंट 2022 के बाद का सत्य है, शिव है, सुंदर है। एडजस्टमेंट का पुरस्कार मिलकर रहता है, भारत माँ के सच्चे पुत्र होने का सौभाग्य मिलता है, और कुछ हो न हो मगर देश का विकास होकर ही रहता है। अरे विकास विनाश नहीं, विकास मालवी। हम लोग जो है मालवा के लोग हैं, मैं नहीं कह पाते, दो मालवाएं लगा पाते, बड़े कॉन्शियस रहना पड़ता तब जाके होता। अब इसमें हो सकता है कि मैं को फिर से जहां मैं कहना है वहां भी मैं कह दू। तो मालवी, मैं को कहता हूं मैं, क्यों भाई क्यों कहता हूं मैं, क्योंकि मैं हूं पक्का मालवी। अजी मालवी नहीं मालवी, रहने दो को कहता हूं मैं रहने दे, क्यों भाई क्यों कहता हूं, क्योंकि आखिर मैं हूं तो मालवी, मैं ऐसे ही बोलता हूं, मेरे को ऐसे ही बोलना आता है कि कोई तो छुपाइयों पर मालूम पड़ जाए कि मैं मालवी हूं। मैं दिल्ली का भद्र नागरिक, मालवा का छोकरा हूं, मैं यहां का पेड़ वहां का बीज हूं, मैं यहां का छोला भटूरा वहां का दाल बाफला दाल बाटी हूं, सेव हूं, रेलवा हूं, कांडा वासन हूं, बेसन हूं, मैं वहां की काली मिट्टी हूं, वहां का पानी हूं। अपन तो सुधर नहीं सकते, क्यों नहीं सुधर सकते जरा बताओ तो मुन्ने, नहीं तुम बताओ मुन्ने, क्यों जी अपन तो हैंज क्या हैंज क्यों है मालवी। अभी आखिरी कविता है, उसके बाद नहीं सुनाऊंगा। अब तो हम विष्णु जी हैं, नागर जी हैं, विष्णु नागर जी हैं, आदरणीय है, सम्माननीय है, वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ कवि है, और जी मान लो तो थोड़े बहुत व्यंग्यकार भी है। पहले हम विष्णु थे, नागर थे, विष्णिया थे, विष्णु थे, मार खाते थे, लात खाते थे, मां की गालियां ले बुलाए जाते थे, पहले तू हुए, फिर तुम, फिर आप, और अब सर्गी होने के रास्ते।